हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एज ऑलवेज हमेशा की तरह आपका बहुत सारा वेलकम और स्वागत है। आज का जो व्लॉग होने वाला है, ये होने वाला है जो है कोऑपरेटिव कॉलेज का होने वाला है, क्योंकि कोऑपरेटिव कॉलेज इज़ वेरी फेमस इन जमशेदपुर। एवरीबडी नोज दैट, सबको जानते हैं कोऑपरेटिव कॉलेज जो है। और ये कोऑपरेटिव कॉलेज हम पहुँच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। एक्चुअली कोऑपरेटिव कॉलेज ये भी मेरा कॉलेज है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल टूर ऑफ कोऑपरेटिव कॉलेज। कोऑपरेटिव कॉलेज का मैं आपको टूर करवाऊंगी थोड़ा सा, और बहुत सारा इसके साथ साथ मैंने काम भी किया है, तो वीडियो को मैंने मर्ज किया है। और ये जो है ना, ये प्रिंसिपल का जो है ये साइट है, और ये इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग है ना, इसका बताना चाहूँगी। थोड़ा ओल्ड और न्यू मेरे को मिक्स करके लगा, तो मैं भी गई थी इधर, मेरी फ्रेंड लोगों के साथ में गई थी मैं, और बहुत सारा काम भी किया है, वीडियो को मर्ज भी किया है, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग काम था ना, तो वी आर सो टायर्ड। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं लिटरली, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिस्टम भी मेरे को थोड़ा ट्रेडिशनल और थोड़ा ऑनलाइन मिक्स है, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि मैं फ्रेंड के साथ आई थी। और अब हम विज़िट करेंगे थोड़ा सा जो है कोऑपरेटिव कॉलेज का, क्लासेस वगैरह भी है यहाँ से, अब देख सकते हैं जाते हुए। मतलब कि ओल्ड और न्यू मुझे मिक्स टाइप का लगा, कुछ तो इतने पुराने और इतने खंडर टाइप के, तो मैं तो थोड़ा सा डर गई थी कि स्केरी लग रहा था, और कुछ पूरा न्यू है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, मुझे अच्छा लगा। इसका जो वाइब्स है ये पॉजिटिव ही है, कोई ऐसा नहीं है। डे बाय डे कॉलेज इज जस्ट डेवलपिंग, जो है बिल्डिंग्स भी सब न्यू बन रहे हैं, पुराने भी बहुत सारे हैं, एड ऑन है। मतलब फाइनली बहुत अभी यहाँ पे थोड़ा सा फैसिलिटी भी अच्छा हो गया है, कैंटीन है, सब कुछ है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे बहुत, मतलब कोऑपरेटिव कॉलेज तो मैं सुनी हूँ कि बहुत पुराना कॉलेज है ये, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ, मतलब कि सारा स्टडी होता है एक्चुअली यहाँ। बहुत सारा कॉलेज में ना आपको पेपर्स, ऑनर्स पेपर ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन कोऑपरेटिव कॉलेज में अगर आपको मास्टर्स और जो है ऑनर्स पेपर लेके करना है, मतलब कोऑपरेटिव कॉलेज इज़ जमशेदपुर का बहुत ज़्यादा वेल नोन और फेमस है। यहाँ पे सारा आपको कोर्सेस मिलेगा मोस्टली। और थोड़ा सा भूख भी लग गया, इतना चलते मतलब ऐसा लग रहा था कि बड़े इस कॉलेज को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा खाया पिया, थोड़ा सा मतलब कि रेस्ट ले लिए, मतलब ये जो झालमुड़ी है ना, ये रिलैक्स नाउ। तो अभी हम यहाँ पे झालमुड़ी खा रहे हैं, मैं अपनी फ्रेंड को बता भी रही थी कि 2023 में आई हूँ इतना दिन बाद, और बहुत ज़्यादा चेंजेस और डेवलप हो गया है कॉलेज ऑलमोस्ट पूरा का पूरा। 2020 में आई थी बीएड के लिए, आई वाज लुकिंग फॉर बीएड एडमिशन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। और बीएड सेक्शन भी, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सारे कोर्स अवेलेबल है, कोऑपरेटिव कॉलेज इज़ वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है, और कॉलेज है कोएड है इस पर। इवन जो वेल नोन स्कॉलर्स हैं और जो बहुत अच्छे अच्छे सर टीचर्स लोग हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग कोऑपरेटिव के स्टूडेंट्स रहे हैं। यहाँ के सर टीचर्स लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, दे ऑलवेज गाइड यू, सपोर्ट यू इन प्रोफेशनल फ्रंट, मतलब कि सपोर्ट करते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो दे यू नो दे इन्फॉर्म यू, बहुत अच्छा से सपोर्ट करते हैं, गाइड भी करते हैं। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव कोऑपरेटिव कॉलेज इन जमशेदपुर, दैट एक कॉलेज में इतना सारा कोर्सेज प्रोवाइडेड है। देखिए ये इसी के बारे में बात कर रही थी, लॉ के बारे में, कि लॉ का भी यहाँ पे स्टडी होता है, मतलब सब कुछ का यहाँ पे स्टडी होता है, तो यहाँ पे है लॉ का भी। अब हम फाइनली जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतना टायर्ड, सो मेरे पापा जो है वो वेट कर रहे हैं, तो मुझे जाना है, बिकॉज आई एम गेटिंग कॉल अगेन एंड अगेन, बिकॉज मेरे पापा का ड्यूटी है और लेट हो रहा है, तो मुझे जाना है। और भूख भी लग गया है अलॉन्ग उसके साथ साथ, मतलब कि यू नो
while doing our works, मतलब along with everything we are feeling internally, मतलब भूख भी लग रहा था. तो finally मैंने friend को बोला कि चलो हम लोग कुछ खा भी लेते हैं. मैंने पापा को बोला कि I am coming in 10 minutes, please wait, let me eat. फिर हमने फटाफट यहाँ पे खाया. ये आंटी जो है ना, just college के बगल में ही ये मतलब कि इनका stall है डोसा का, बहुत टेस्टी बनाती है, no doubt. I think so it cost me around 40 or 30 rupees था, मुझे याद भी नहीं है. तो बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा. वी इन्जॉयड अ लॉट. कॉलेज का पूरा मतलब कॉलेज का वाइब्स भी अच्छा है और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, इन्फॉर्मेशन भी मिला वहाँ पे जा कर के, बहुत अच्छा लगा. एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो. एंड इफ़ आई गेट चांस, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक और वीडियो बनाऊँगी इसका भी. वीडियो को लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोग जो है, आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियोस मेरा बनाना. इससे मैं और मोटिवेट होती हूँ ताकि फ्यूचर में भी और वीडियोस बना पाऊँ. वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ विद दिस नोट दैट मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ आऊँगी, न्यू वीडियो के साथ. टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे सेफ. बाय बाय लवली पीपल.